जय हिंद दोस्तों, आज की अपडेट निकली है MKCL की तरफ से और आज हम बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट ऑफ टाइम विद इन 5 मिनट के अंदर। क्या प्रोफाइल है, कितनी नंबर ऑफ प्रोफाइल है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एप्लीकेशन प्रोसेस डिटेल में डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर हमारा मेजर फोकस आपका ऑफर डिटेल्स पे होगा, करियर पाथ पे होगा, इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सिलेक्शन प्रोसेस एंड टर्म एंड कंडीशन। तो ये सारी चीजें जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये ऑफिशियली वेबसाइट में अनाउंस हुई है। तो दिस इज द 100% रियल जॉब और आप मेरे साइड में देख भी पा रहे होंगे, ये ऑफिशियली वेबसाइट जहां पे अपडेट निकली है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आपका MKCL स्टैंड करता है महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, जो कि आपकी कंपनी PSU या प्राइवेट सेक्टर में आप कंसिडर कर सकते हैं। यहां पे इस पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन करने के जो बेनिफिट्स हैं वो हैं आपका सैलरी पैकेज, बहुत ज्यादा ऑसम सैलरी पैकेज है। अगर मैं यहां पे बात करूं सैलरी की तो ये डिपेंड करती है आपके करियर पाथ पे। फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल आपका जो सैलरी है इट इज़ अराउंड 4 लाख CTC, सेकेंड यहाँ पे आप देख सकते हो 4,98,000 अराउंड 5 लाख CTC, थर्ड साल आपका रहेगा 6,50,000 और फोर्थ ईयर चौथे साल आपका 9 लाख CTC हो जाएगा। तो आप करियर ग्रोथ देख रहे हैं कि किस तरीके से 4 लाख से आप 9 लाख पे जस्ट इन 4 ईयर्स के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जॉब के साथ आपके करियर को भी बहुत ज़्यादा बूम मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपका MKCL के अंदर 3 प्रोफाइल निकली है मेजरली और आप तीनों में से किसी भी प्रोफाइल पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैच होती है। तो यहाँ पे मैं तीनों प्रोफाइल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, डिटेल डिस्कशन हम एक ही प्रोफाइल का करेंगे। तो पहली प्रोफाइल आपकी प्रोजेक्ट ट्रेनी PT रिक्रूटमेंट 2020 है जिसे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सेकेंड आपकी .NET डेवलपर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड वन आपकी जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर की निकली है। अगर आपको .NET एंड जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर में इंटरेस्ट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो राइट नाउ वी आर डिस्कस इन डिटेल प्रोजेक्ट ट्रेनी। तो यहां पे प्रोजेक्ट ट्रेनी के अंदर सबसे पहले जॉब का डिस्क्रिप्शन बताया गया है जहां पे आप फुल स्टैक डेवलपर आपका मेजरली वर्क होने वाला है। फुल स्टैक डेवलपर आप टाइटल से समझ पा रहे होंगे, जो क्वालिफिकेशन के यहां पे डिमांड करी गई है BA and BTech कंप्यूटर साइंस के अंदर, IT के अंदर। अगर आपने MCA कंप्लीट करा है मास्टर ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने MCS कंप्लीट करा है मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस देन अगेन आप अप्लाई कर सकते हो। MSc भी अप्लाई कर सकते हैं, MS भी अप्लाई कर सकते हैं, ME, MTech भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो 2022 के यस यू कैन अप्लाई। तो यहाँ पे क्या चीज़ क्लियरली इंडिकेट होती है, अगर IT सेक्टर के आप कैंडिडेट हैं तो ये जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाली है। डोंट वरी, अगर IT सेक्टर से आप बिलोंग नहीं करते नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए, जस्ट मुझे अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, डैट्स ऑल, नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग आ जाएगी। पर कमेंट थोड़े से ज़्यादा कीजिएगा, 1-2 कमेंट्स को कंसिडर करते हुए वीडियो बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वहीं पे 200-300 कमेंट्स आएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड, डेफिनेटली आपके लिए वीडियो हम ले आएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो 100 से ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं, 100 प्रोजेक्ट ट्रेनी इनको चाहिए। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस इज क्वाइट ईजी और साथ में यहाँ पे डेट्स वगैरह भी इन्होंने शेयर करी है। 1 जून को स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट इसकी 22 जून शाम के 5 बजे तक रखी गई है। अप्लाई आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे करना है जो आप यहां पे देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। इसके साथ यहां पे कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन भी दी गई है, यू कैन रीड आउट, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको भरनी है। ऑफर डिटेल के अंदर मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाए सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर, जब आपका इंटरव्यू होगा, आपका एग्जाम होगा, असेसमेंट होगा तो आपको किन किन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पे आपका ओवरव्यू ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट जो कि बेसिक है, देन आपका UI UX आपका यूजर इंटरफेस काफी इंपॉर्टेंट है आजकल डिजाइनिंग पार्ट में, देन आपका जावास्क्रिप्ट हो गए, डाटाबेस कॉन्सेप्ट हो गए, आपका SCRUM हो गया, आप सभी को जो मतलब यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर है उनकी अच्छी नॉलेज होगी। फिर भी आप थोड़े से अपने स्किल को पॉलिश जरूर कर लीजिएगा। देन आफ्टर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें NetBrack हो गया, आपका जावा हो गई और फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड भी होगी जो कि आपके एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे होने वाली है। तो मतलब लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों का ही ऑसम प्लेटफॉर्म है और एब्सोल्युटली फ्री। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इनकी 10 मंथ्स की पॉलिसी वगैरह के बारे में डिस्कशन किया गया। 2 मंथ्स आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा एंड शी विल बी कंटिन्यू फॉर द रिमेनिंग 10 मंथ्स। तो ये एक तरीके से 12 मंथ्स का प्रोग्राम होने वाला है। तो यू कैन चेक आउट द होल इंफॉर्मेशन, क्या 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 चीजें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, राइट नाउ मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे ही रहा हूं। उसके बाद आपका करियर पाथ है जो ऑलरेडी मैं एलैबोरेट कर चुका हूं, कैसे आप
फर्स्ट से लेके फोर्थ सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड लेवल पे आके 9 लाख रुपए तक की CTC अर्न कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो दो ही हैं, 22 और 1, उसके अलावा और भी सारी डिटेल हैं, उनको आप इतना फोकस मत करिएगा। हाँ, फोकस उनको कर लीजिएगा जब आपका मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट और आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे मॉक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव आपका 24 जून को होगा, जहाँ पे आपको बेसिक गाइडेंस मिल जाएगी तो किस तरीके से आपका इंटरव्यू टेस्ट यहाँ पे होगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा जो आपका 26 जून, जो कि आपका 11 से 12:30 बजे तक होगा, 1.5 घंटे का। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट आपका स्टेज 1 स्टार्ट होगा 29 जून को 5 बजे, फिर आपका 30 जून को होगा, फिर आपका 6 जुलाई को होगा, फिर आपका स्टेज 2 का रिजल्ट 12 जुलाई तक आएगा। आप देख रहे हो, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेज एंड डेट, सो ये आपको जरूर इंपॉर्टेंट अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये स्टेज आपको कैसे क्लियर करने और किस डेट पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आप यहाँ पे स्टेज 2 क्लियर कर चुके होंगे विद रिजल्ट 12th of July को। देन आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा Monday 18 तारीख को, जो कि 18 से 22 तारीख तक चलेंगे, और फाइनल रिजल्ट 25th of July आएगा, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपके 1st of August है। काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, पता ही नहीं रहता ज्वाइनिंग कब तक आएगी। यहाँ पे तो आपको ज्वाइनिंग तक बता दी गई है, 1st August को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी बताई गई है, मतलब जॉब लगने के बाद आपको कहाँ पे काम करना है, जो कि आपका पुणे, नवी मुंबई और नागपुर होने वाले हैं। तीनों के फुल एड्रेस दे दिए हैं, तो अपने घर से आप लोकेशन भी चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ अप्लाई जरूर करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है, जहाँ पे 3 स्टेज में आपका ये बेसिकली होगा। स्टेज 1 आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, 2nd आपका ऑनलाइन इंटरव्यू बेस्ड ऑन द असाइनमेंट टॉपिक, जो कि फुल स्टैक डेवलपर कराएगा, मतलब पर्सनली देखा जाए स्टेज 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3rd आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, मतलब आपका PI पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। तो इन तीनों टेस्ट स्टेज के अंदर आपका क्या क्या चीज़ें होने वाली है वो भी यहाँ पे लैबरेट करी गई है। पर ये सारी चीज़ें मैं लैबरेट इसलिए नहीं कर रहा, अगर मैं करने पे आया तो ये 25 से 30 मिनट की वीडियो बन जाएगी। आपके लिए कर तो दूंगा, पर कमेंट सेक्शन में मुझे तो बताइएगा क्या आप रियल में चाहते हो मैं डिटेल लैबरेशन दूँ। टाइम टेकन है और आपके लिए भी, अगर आप इतना टाइम दोगे मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। तो स्टेज 1 के बारे में यहाँ पे 9 पॉइंट्स है जो इलैबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेज 1 है। देन आपका स्टेज 2 के अंदर टेक्निकल स्किल्स का होने वाला है, जो कि आपका 70 क्वेश्चन 70 नंबर के होंगे, और 6 सब्जेक्ट आपके पर्टिकुलरली रखे गए हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। देन आफ्टर आपका स्टेज 2 का ऑनलाइन इंटरव्यू बेस वगैरह बताया गया है। देन आपका फेस टू फेस इंटरव्यू के बारे में भी उसकी डेट शेयर करी गई है, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन है, जो कि सारी बेसिक है, यू कैन रीड आउट बिफोर अप्लाई दिस जॉब। तो ये था बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल इस जॉब का नोटिफिकेशन। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आप अप्लाई करने वाले हैं, यस और नॉट, और साथ में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें। मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।